हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस लाइन का इस वीडियो से कोई रिलेशन नहीं। अब आते हैं वीडियो पर। क्या आपको पता है कि सक्सेसफुल जापानीज कार ब्रांड टोयोटा कार नहीं बल्कि एक लूम और टेक्सटाइल की कंपनी के रूप में शुरू हुई थी। इन द अर्ली 20th सेंचुरी साकिची टोयोटा ने टोयोटा ऑटोमेटिक लूम वर्क्स की स्थापना की, जो कि लूम इंडस्ट्री में काफी सक्सेसफुल थी। इन्होंने हैंडलूम इंडस्ट्री में कई माइलस्टोन अचीव किए और इस इंडस्ट्री में कई सारे पेटेंट भी प्राप्त किए। साकिची टोयोटा की डेथ के बाद उनके बेटे ने टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन की स्थापना की। अब आप सोच रहे होंगे कि टोयोटा फैमिली ने टोयोटा नाम से कंपनी क्यों शुरू की, तो आपको बता दें कि टोयोटा लिखने के लिए जापानीज में 10 स्ट्रोक्स यूज करने पड़ते थे। ये ऐसा ही है कि कोई वर्ड लिखने के लिए 10 कैरेक्टर यूज करना, और टोयोटा को जापानीज में लिखने के लिए 8 स्ट्रोक यूज करने पड़ते हैं। 8 स्ट्रोक को जापानीज कल्चर में काफी लकी माना जाता है, जिसके बाद टोयोटा का नाम चेंज करके टोयोटा कर दिया गया।